प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको पैसिव टू एक्टिव पढ़ा रहा हूं और आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसको किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस के रूल लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी पावर थ्री प्लस बाय यू को एक्टिव के रूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में बदलकर, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस का रूल होता है वी पावर वन अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू, तो लेट द सर्वेंट, सर्वेंट द सर्वेंट ऑब्जेक्ट है, बी कॉल्ड वर्ब है, कॉल की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अर्थात कॉल्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कॉल, और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अर्थात ये कॉल्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और द सर्वेंट है ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे अर्थात कॉल द सर्वेंट। यदि सेंटेंस है लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू तो कॉल द सर्वेंट। सेकंड एग्जांपल, लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू नहीं भी दिया हो सकता है, तो लेट द डोर बी ओपन्ड, द डोर ऑब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है, तो ओपन्ड की फर्स्ट फॉर्म ओपन और ऑब्जेक्ट द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन्ड इसका एक्टिव बनेगा ओपन द डोर। लेट द बुक बी रीड बाय हिम, ये सेंटेंस लेट से ही आरंभ हो रहा है तो ये लेट हटाया नहीं जाएगा, पैसिव में लेट द बुक बी रीड बाय हिम अर्थात लेट हिम रीड द बुक, लेट बना रहेगा, लेट के पश्चात लेट का रूल होता है, लेट के पश्चात जो ऑब्जेक्ट लास्ट में दिया है उसको यहां रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे लेट हिम रीड द बुक। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, तो यहां पर चूंकि निगेटिव है, यहां पर इंपरेटिव निगेटिव है तो इसलिए डोंट का प्रयोग करेंगे, डोंट इंसल्ट द पुअर या डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो इस प्रकार से बच्चों इंपरेटिव जो लेट से आरंभ होने वाले वाक्य थे उनका किस प्रकार से हम पैसिव से एक्टिव बनाते हैं ये इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है। लेट या इंपरेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। अब हम सेकेंड प्रकार के जो वाक्य हैं उनको समझाते हैं। रूल, यू आर रिक्वेस्टेड अथवा ऑर्डर्ड अथवा एडवाइज्ड प्लस टू को प्लीज में बदलकर प्लस वी पावर वन प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड अथवा ऑर्डर्ड अथवा एडवाइज्ड दिया है तो उसको हटा और प्लस टू दिया है तो इसको हटा करके प्लीज में बदल दीजिएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें और तदुपरांत ऑब्जेक्ट को लगाएं। फिर से समझ लें, यू आर रिक्वेस्टेड अथवा ऑर्डर्ड अथवा एडवाइज्ड दिया है और प्लस टू है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज्ड टू को हटाकर प्लीज का प्रयोग करें और उसके बाद प्लस करें बी पावर वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू को प्लीज में चेंज कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड को हमने किस में बदल दिया, प्लीज में बदल दिया और हेल्प द पुअर को जोड़ दिया बी पावर वन द पुअर। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, तो यू आर एडवाइज्ड टू को प्लीज में बदल के वर्क हार्ड जोड़ दिया तो प्लीज यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड
अर्थात प्लीज वर्क हार्ड. यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द सर्वेंट. यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द सर्वेंट, तो प्लीज कॉल द सर्वेंट. यू आर एडवाइज्ड टू कीप लेफ्ट, प्लीज कीप लेफ्ट. तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो इंपरेटिव सेंटेंस जो थे उनका पैसिव से एक्टिव बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, और कृपया इनका प्रैक्टिस करें. थैंक यू.